अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले नया साल इस्लामिक न्यू ईयर आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे और बस सेहत तंदुरुस्ती दे और खुशियाँ दे इंशाल्लाह। तो आज की जो मेरी ब्लॉग है वो ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप मटन या बीफ कैसे एक बार मैरिनेट करके उसको 4 से 5 महीने तक आप कबाब तल के खा सकते हैं। तो बेसिकली ये ड्राई बीफ कबाब है जो मैं आज बना रही हूँ। मैं इसकी प्रिपरेशन आपको दिखा देती हूँ। और ये था बीफ जो पहले से ही वो कबाब कट थे, मतलब छोटे छोटे पीसेस थे, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं मिली पड़ी। क्या होता है कि हम जो होते हैं दुकान वाले को ही बोल देते हैं कि इसको कबाब कट कर दो, तो वो ऐसे छोटे छोटे पीस करके दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर साउथ में तो बहुत नॉर्मल है ऐसे कबाब। पहले मुझे मैं मतलब आदत नहीं थी, मुझे नॉर्थ की हूँ, पर बाद में जब मैंने खाना शुरू करा तो बहुत ही मतलब यम लगते हैं। आप कोई दाल चावल हो या कोई भी वेजिटेरियन फूड हो तो आप बना सकते हैं ये साथ में। और अलग से ही मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था अभी, और ये मैंने इसके अंदर डाल दी थी पुदीने हरे धनिए की चटनी, जिसके अंदर मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च और गरम मसाला मिक्स करके मैंने पीस लिया था। और बाद में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बहुत सारा लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि जो टेस्ट होगा मैरिनेशन का वो इसी से ही होगा, लहसुन अदरक की स्मेल आएगी। और फिर लास्ट में मैं इसके अंदर डाल दूँगी नींबू। नींबू मैंने ये था मेरा आधा किलो था मेरा ये भी, और इसके अंदर मैंने चटनी, लहसुन अदरक का पेस्ट, मतलब ऐसा हो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो कि अच्छा उसके ऊपर लिपट जाए। और नींबू आधा किलो के लिए मैंने लिए थे 5, क्योंकि जो नींबू है सिट्रिक है वो, तो वो उसको सड़ने नहीं देगा, ख़राब नहीं होने देगा कबाब को, जो हम स्टॉक कर रहे हैं 3-4 महीने के लिए, तो वो उसको ख़राब नहीं होने देगा। तो बस आप नींबू डाल लें इसके अंदर। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर एक मसाला डाल लिया था जो मेरा ऑल पर्पज़ एक मसाला है जो मैं बना के रखती हूँ किसी में भी, मतलब कोई भी, मतलब आप नॉनवेज बना रहे हो या बिरयानी बना रहे हो तो आप ये मसाला डाल सकते हैं। और बस नमक भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था इसके अंदर, इतना ज़्यादा नहीं कि खाया ना जाए, पर यूजली जो हम मैरिनेट करते हैं सुखाने के लिए उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा डलता है। और बस मैंने उसको पहले तो कुछ 3-4 घंटे फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि थोड़ा पतला था मैरिनेशन, और जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो बस ये सब करने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इसको एक मतलब आपकी थ्रेड हो या सुतली हो या कोई एक बांधने वाली कोई छोटी रस्सी हो, प्लास्टिक की डोरी, आप वो लेके उसके अंदर आप पिरो सकते हैं। तो बस मैं ये थोड़ा सा सालन बना रही थी, थोड़ा सा निहारी स्टाइल, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब निहारी निहारी का इतना शौक है, साउथ में कहीं भी नहीं मिलती है निहारी। तो आपने देखा होगा कि मेरे 3-4 व्लॉग में निहारी ही है, तो अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और जो ये कबाब का है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इसमें पूरी रेसिपी आप उसमें देख सकते हैं। और बस ये मैंने निहारी बना ली थी, बेटे को ही पसंद है बहुत ज़्यादा, उसका भी दिल कर रहा था। और उसका ये जो मसाला होता है, असल टेस्ट जो होता है निहारी में ये जिंजर चिली और लेमन का ही होता है, और मेरे मुँह में इस वक्त सच्चे में पानी आ रहा है। तो बस मैंने ये जो डोरी थी इसको धो ली, इसको सुखा के, और उसके अंदर मैंने पिरो दिए जो जितने भी मेरे मतलब ये गोश्त के पीस थे, और फिर मैं इसको इसी तरह बांध के और मैं टंगा दूंगी। इसको कम से कम आपको 3-4 दिन लगेंगे, अगर आप धूप में रख रहे हो तो शायद 2 दिन में ही सूख जाए, बट यहाँ पर धूप नहीं होती है। तो रात का टाइम था, पहले तो मैंने अंदर हॉल में ही इसको टंगा लिए थे, इस तरह सुखा लिए थे, जो इसका टपक रहा था पानी पूरा मैंने नीचे से क्लीन करा, क्योंकि पहले पहले जो हमारा मैरिनेशन होता है वो थोड़ा सा लीक होगा। तो बस इसको अलग अलग कर दिया, एक एक पीस को किसी से लगना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर सूखने में ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस रात में मैंने ये अंदर सुखाए, फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो मैंने अपनी बैल्कनी में इसको जो रस्सी थी टंगा दी, ताकि धूप आए तो धूप से थोड़ा सा, क्योंकि क्या हो रहा था ना 2-3 मिनट के लिए धूप आती है फिर एकदम से बादल आ जाते हैं, तो सही से पता नहीं कितना टाइम लगेगा सूखने को, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बट जहाँ पर धूप है, अच्छी धूप है, तो शायद 2-3 दिन में आपका सूख जाए कबाब। और फिर बस आप इसको स्टॉक कर लें एक पॉलीथीन में या किसी बॉक्स में पैक कर लें और इसको फ्रीज़र में रख लें।
अच्छा, तो जब सूख जाता है ना ऐसा दिखने लगता है, एकदम स्टिफ हो जाता है स्टोन की तरह, और ऐसा दिखने लगता है। ज़्यादा भी मतलब स्टिफ नहीं, अगर आप हाथ से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। बस ये मैं अब पॉलिथीन में रख रही हूँ। ये मेरे मटन के ऑलरेडी बने हुए थे, ये मैंने नहीं बनाए, ये बने हुए थे, इरफान लेके आए थे अपनी मम्मी के पास से, उन्होंने दिए थे बना के। और ये मटन का इरफान के लिए है, मेरे हस्बैंड के लिए है, और जो बीफ का है वो बेटे के लिए और मेरे लिए है। अच्छा, तो आप ना इस तरह भी बना सकते हैं, जो मतलब मैरिनेट कराया है सुखाने से पहले, थोड़े मैंने अलग कर लिए थे। तो ये मैंने क्या करा, 3-4 कबाब ऐसे ही फ्राई करके देखे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। बट आपको क्या करना है ना कि शैलो फ्राई अगर आप कर रहे हैं तो इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बीफ होता है थोड़ा सा टाइट होता है। तो मैंने क्या किया था, इसको शैलो फ्राई किया, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जब आप शैलो फ्राई कर रहे हैं ना तो इसको ढक के आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि वो गल जाए गोश्त। अगर आप नहीं उसके अंदर पानी डालेंगे तो थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा टाइट रह सकता है। तो बस इस तरह आप कर लीजिए और उसको पका लीजिए, पानी डाल के, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा पानी डालना था। तो इस तरह उसकी हल्की सी जो ग्रेवी होगी वो उसी के ऊपर चिपक जाएगी। तो बस जी, मेरा पूरा का पूरा रेडी हो गया, खाना भी रेडी हो गया था, मेरे कबाब भी रेडी हो गए थे, बहुत ही मतलब टेस्टी थे, एकदम खट्टे खट्टे मिर्चीदार और मसालेदार, बहुत ही अच्छे थे। ज़्यादा मसाला, ज़्यादा मिर्ची नहीं थी, बस उसके ऊपर मसाला था और नींबू की वजह से बहुत खट्टा हो रहा था। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए इसका ड्राई वर्जन भी और ऐसा वाला भी। देखिए कितना मतलब गरम गरम है, हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा है, पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसका रेशा रेशा दिखेगा आपको एकदम से। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सबको अल्लाह हाफिज़।